इसका तो जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेता को देना चाहिए। तेजस्वी जी बड़ी पाक साफ बनते हैं, उनको बताना चाहिए कि उनके पार्टी के अंदर कैसे कैसे नेता रखे हुए हैं। और यह सजा तो होना ही था, जो घिनौना पाप उन्होंने किया, और हम समझते हैं कि सिर्फ उनको सजा मिला या मिलेगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, इससे उनकी साख पर भी बट्टा लगता है। इससे सभी लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए, और ऐसे घिनौने पाप करने वाले को तो निश्चित रूप से जो कोर्ट ने सजा दिया है या देने वाली है, उसका हर लोगों को स्वागत करना चाहिए। सर, तेज प्रताप यादव विधायक हैं सर, आवाज़ खोज रहे हैं, वो सीएम से बात कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मुलाकात हो पा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सीएम तो सभी लोगों से मिलते हैं, और वो बेचारा को रहने के लिए तो कोई बहुत परेशानी है नहीं। और वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो पहले उनसे उनको फुर्सत हो जाए तो आवास तो एक MLA के नाते उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और मिलेगा अगर उन्होंने दिया है लिखित रूप से कि उनको आवास चाहिए, तो विधानसभा से हो या भवन निर्माण विभाग से हो, जहाँ से भी होगा उनको उपलब्ध कराया जाएगा।